हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट के बारे में, जो कि है फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो मेनली हम इसके कुछ रिव्यूज वगैरह देखने वाले हैं, यहाँ पे कैसी कट ऑफ वगैरह होती है, और कुछ कोर्सेज और फीस वगैरह भी देखने वाले हैं। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे आपको कॉलेजेस के रिव्यूज भी मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो या फिर आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर चैनल पे वीडियो बनी होगी तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वरना मैं आपको 24 घंटे के अंदर अंदर में, जैसा था 2 दिन के अंदर अंदर में आपको वीडियो भी प्रोवाइड हो जाएगी। इसी के साथ आप वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये इंस्टीट्यूट एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और मेनली ये कोएड इंस्टीट्यूट है, जिसमें कि बहुत बॉयज और गर्ल्स पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्सपोजर जो है वो बहुत ही अच्छा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर साल 350 से, अगर हम बात 3500 से लेके 4000 बच्चे मतलब यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। 40 फैकल्टी है, 40-50 के आसपास, जो कि हम कह सकते हैं बार को कम है। वही अगर हम बात करें, स्टेब्लिश हुआ था 2004 में। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज मेनली पढ़ाए जाते हैं। तो मेनली यहाँ पे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं BA ऑनर्स, BBA, BCA, BA LLB, BBA LLB, BCOM ऑनर्स, और तो अगला है बीएड और बीसीजे। और मेनली जो सीट्स होती है वो 100 से लेके 300 के बीच में होती है, और डिफरेंट कोर्सेज के डिफरेंट डिफरेंट सीट्स होती है। आगे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बच्चों ने अपने कुछ रिव्यूज वगैरह दे रखे हैं इस कॉलेज के बारे में। तो एक बच्चे ने बोला है, ओवरऑल कॉलेज इज गुड इन एकेडमिक्स बट नॉट मच बेटर, मतलब कि कुछ चीजों में बेटर अच्छा नहीं है, जैसे कि कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर और एकेडमिक्स। आगे हम देख लेते हैं बच्चे का और रिव्यू। तो इस बच्चे ने बोला है, इट इज गुड आईपी कॉलेज विद बेसिक नेसेसिटीज अवेलेबल। एक बच्चे ने बोला है, गुड वर्थ फॉर मनी, माय एक्सपीरियंस हैज बीन ऑसम, एवरीथिंग इज गुड एक्सेप्ट द प्लेसमेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है कि इस कॉलेज में कौन कौन सी फैसिलिटीज है। तो मेनली यहाँ पे प्रोवाइडेड है गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल है सेपरेट, जिम फैसिलिटीज अवेलेबल है, लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल है, और स्पोर्ट्स में भी बहुत इंडोर और आउटडोर गेम्स के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है। वहीं अगर हम बात करें, कैफेटेरिया और मेडिकल हॉस्पिटल फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज अवेलेबल है। और अगर आप वहां पर नहीं रुकना चाहते हैं तो डेली का आप अप डाउन कर सकते हैं, तो इसके लिए भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल की गई है। और वहीं एक बात और बता दूं मैं, तो यहाँ पर मूट कोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल की गई है। मूट कोर्ट की फैसिलिटी होती क्या है तो मैं आपको ये बता दूं, मूट कोर्ट इज एन मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इन विच स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन स्टिमुलेटेड कोर्ट प्रोसीडिंग्स विच यूजुअली इन्वॉल्व्स ड्राफ्टिंग इन ओरल आर्ग्यूमेंट। मूट कोर्ट एंड लॉ रिव्यू आर द टू की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन विच लॉ स्कूल्स एंड एनकरेज्ड टू टेक पार्ट। तो मेनली लॉ स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाता है कि कोर्स में क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती है। द स्टूडेंट्स हू टेक पार्ट इन द मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन tend to focus on subjects such as public laws, human rights laws, international humanitarian law, trade law and international commercial arbitration। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें कि boys hostel के लिए different चीजें हैं और girls hostel के लिए different different चीजें हैं। और चीजें भी आप देख सकते हैं, library, cafeteria, IT infrastructure है यहाँ पे, gym facility, sports, transport facility वगैरह सब कुछ यहाँ पे available है। आगे हम देख लेते हैं इस college के बारे में और चीजें। तो यहाँ पे इस कॉलेज की कुछ फोटोज और वीडियोस वगैरह प्रोवाइड की गई है, जो कि मैं आपको सबसे लास्ट में दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे कुछ बच्चों ने अपने क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ रखे हैं, तो अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब मेनली पहले हम इस कॉलेज की कुछ एड्रेस की बात कर लेते हैं, तो वो है फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जो की है 1037 कपास हीरा एक्सटेंशन, कपास हीरा, न्यू दिल्ली, और जो की पिन कोड है 110037, जो की इंडिया में है। अब इस कॉलेज के हम कुछ फोटोज वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है ऑडिटोरियम, आगे हम देख लेते हैं कैफेटेरिया है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे हम कैंपस व्यू प्रोवाइडेड है, ये है पूरा क्लासरूम्स, जैसे क्लासरूम्स बच्चों के लिए होते हैं। यहाँ पर ये मेडिकल फैसिलिटीज जो कि बहुत ही अच्छे से प्रोवाइडेड है, जहाँ पे वेल वेंटिलेटेड भी है जो कि। ये है मूट कोर्ट फैसिलिटीज, जो कि आपको जरूर लेना चाहिए पार्टिसिपेट, अगर आप कोई भी आगे लॉ वगैरह में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या आगे आप अपना करियर लॉ में बनाना चाहते हैं। तो ये स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, जिसमें बहुत इंडोर और आउटडोर फैसिलिटीज अवेलेबल है, और ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। तो इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आईपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।